नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्दबाण का। 500 साल के बाद भगवान राम फिर से अयोध्या में पधारे हैं, भव्य राम मंदिर में विराजे हैं। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से वैदिक परंपराओं के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा, रामलला अयोध्या में टेंट से भव्य मंदिर में विराजित हो गए, ये सुखद पल है, भावनाओं में ज्वार पैदा करने वाला पल है। इसके बाद मोदी ने बताया कि आखिर भारतीय चिंतन में, भारत के जनमानस में राम क्या है, आप भी सुनिए। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। इसके बाद मोदी ने भगवान राम से माफी मांगी, कहा कि रामलला के लिए भक्तों को 500 सालों तक विरह वेदना झेलनी पड़ी। मोदी ने कहा कि हमारे पुरुषार्थ त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी, जिसके कारण इस पुनीत काम में इतनी देरी हुई, लेकिन अब वो कमी पूरी हो गई है और बिना किसी विघ्न के भव्य राम मंदिर बना और उसमें रामलला विराजमान हो गए। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है, हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में, उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय
न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। मोदी ने उन लोगों को भी अपने आचार और विचार में बदलाव की सलाह दी जो अब तक राम के नाम पर लोगों को डराते थे, कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बना तो देश में आग लगा दी जाएगी। मोदी ने कहा कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। अयोध्या का ये उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बेहद भावुक नजर आए। योगी ने कहा कि पूरा राष्ट्र राममय है, पूरी दुनिया के राम भक्त रामलला के मंदिर में प्रतिष्ठित होने की खुशी मना रहे हैं, लेकिन ये खुशी 500 साल के इंतजार और हजारों लोगों के बलिदान के बाद आई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प राम भक्तों ने लिया था। भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए
इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और अन्य स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी राम मंदिर आंदोलन का जिक्र किया। उन लोगों का नमन किया जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। इसके बाद भागवत ने कहा कि मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए तप किया था तो तपस्वी वो है, लेकिन एक तप अब देश के लोगों को करना होगा। वो तप होगा भारत को विश्व गुरु बनाने का। रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा, मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूँ, वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया, परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था। उस धर्म स्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उत्पन्न करना यह अपना कर्तव्य बनता है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहाँ से जाए, अभी इसी क्षण से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्वगुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा।